आपसे कहा था कि हम जल्दी ही आएंगे एक नई वीडियो को लेकर, तो ये लीजिए आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि एक स्लैशर हॉरर मूवी पर होने वाला है। दोस्तों, मेरे पास कई सारे व्यूवर्स की स्लैशर मूवी के लिए रिक्वेस्ट आई हुई थी जो कि रॉन्ग टर्न से मिलती जुलती हो, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी स्लैशर मूवी जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है। इस मूवी का नाम है इम्ब्रेड, जिसे कि एलेक्स चैंडलर ने डायरेक्ट किया हुआ है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। और ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि आराम से पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। उनके पीछे एक व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा था, जिससे कि वो कपल डिस्टर्ब हो रहे थे। फिर वो कपल लेमोनेड पीने लगते हैं, जिसे देखकर वो व्यक्ति उनके पास आता है और उनसे लेमोनेड की मांग करता है, जो कि दोनों को काफ़ी अजीब लगता है। और वो दोनों उस आदमी के इस बिहेवियर से काफ़ी नाराज़ होते हैं, जिसके बाद वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो उस वेल ड्रेस्ड आदमी के सिर में अपनी कुल्हाड़ी दे मारता है, जिसके बाद वो उस लेडी का पैर अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। और फिर वो उस कुल्हाड़ी का दूसरा वार लेडी के सिर पर करता है, जिससे कि कुल्हाड़ी उसके सिर में धंस जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। अब ये बस एक मूवी थी जिसे टीम जेब और ड्वाइट वैन में बैठकर देख रहे थे, और उनके साथ एक सेम नाम की लड़की भी थी जिसका इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ये चारों टीनेज क्रिमिनल्स थे जो छोटे मोटे अपराध कर चुके थे, और सजा के रूप में उन्हें एक विलेज में कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा गया था, जहाँ पर केट और जेफ उनके केयर टेकर थे और उन्हें ले जा रहे थे। अपनी जर्नी के दौरान उनकी वैन का नेविगेशन काम नहीं कर रहा था और उन्हें मैनुअल मैप के जरिए उस विलेज तक जाना पड़ता है। और वो रास्ते में देखते हैं कि कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, एक आदमी को स्केयर क्रो की तरह बांध कर उसके शरीर में एक नुकीली रॉड को घुसा रहे थे, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण उन्हें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता और वो इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद जल्दी ही वो सभी मोटलेक विलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कॉटेज प्रोवाइड की गई थी। और फिर जेब सभी के फोन्स उनसे ले लेता है, ताकि कोई भी वहाँ पर शैतानी नहीं करे। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि कॉटेज काफ़ी ज़्यादा गंदा है, और उन्हें वहाँ पर एक फ़ोटो मिलता है जिसमें एक अजीब सी फैमिली थी। फिर केट और जेफ चारों को वो कॉटेज साफ करने को कहते हैं, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते तक उन्हें इसी कॉटेज में रहना था। उस कॉटेज के साफ होने के बाद जेफ और केट चारों को विलेज के विजिट पर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें उस विलेज में कोई भी नहीं दिखता। और फिर उन्हें वहाँ पर एक लोकल बार मिलता है जो कि खुला हुआ था, और सभी उस बार को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें चले जाते हैं। और अंदर जाने पर उन्हें अजीब अजीब से लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि उन्हें ही घूर रहे थे। वे सभी वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस बार में सिर्फ अल्कोहल और लेमोनेड ही होता है, और इसी कारण सभी को लेमोनेड ऑर्डर करना पड़ता है। केट की मुलाकात बार के ओनर जिम से होती है, जो उनसे कहता है कि उन्हें कुछ भी परेशानी हो तो वो उसे बता सकते हैं। फिर दो लोग उस बार में एक अजीब सा बैग लेकर आते हैं, और जिम उन्हें पीछे के रास्ते से आने का कहता है, जिसे सुनकर सभी को काफ़ी अजीब महसूस होता है। कुछ देर के बाद सैम स्मोक करने के लिए उस बार से बाहर चली जाती है, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी आकर सैम को परेशान करने लगता है, जिसे जिम वहाँ से भगा देता है। और फिर सभी लोग उस बार से वापस अपने कॉटेज की ओर चले जाते हैं। अगले दिन जेफ सभी को सेफ्टी जैकेट देकर ये कहता है कि वो सभी लोग विलेज के बाहरी इलाकों में जाकर कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बाद सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में जेब पहाड़ी के ऊपर कुछ लोगों को देखता है जो कि उन्हें ही घूर रहे थे, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। जेफ और सभी लोग आगे चलकर कुछ खाली पड़े ट्रेन के डब्बे देखते हैं, जो कि कई सालों से वहीं पर कबाड़ पड़े थे। जेफ सभी को दो दो के ग्रुप में बांटकर उन्हें एक गेम देता है, जिसमें सभी को कबाड़ पड़े ट्रेन के डब्बों में जाकर काम की चीज़ें जुटानी थी, जिसे वो शहर में जाकर बेच सके और सोसाइटी के लिए फंड इकट्ठा कर सकें।
टीम जेब और ड्वाइट को वहाँ पर एक केबिन मिलता है जिसमें कुछ टूल्स पड़े हुए होते हैं और वो केबिन ओनर की बिना इजाज़त के वो टूल्स वहाँ से उठा लेते हैं। अब सभी को ये काम दिया गया था कि ज़रूरत का सामान वहाँ से इकट्ठा करना है, लेकिन जेब और ड्वाइट अपनी शरारतों से बाज नहीं आते और बचा हुआ सामान भी तोड़ने लगते हैं, जिससे जेब डांट देता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। इधर कैट ट्रेन के एक डब्बे में कुछ सामान इकट्ठा करती है और उसे वहाँ पर डब्बे में कोई व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है और जब वो उसके पीछे जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कई सारी मैगजीन्स पड़ी हुई है जिनके मुंह कुछ जानवरों से बदल दिए गए हैं और वो व्यक्ति जो कोई भी था वो यहाँ पर इन्हीं मैगजीन्स को पढ़ने आया हुआ था। कैट को लगता है कि शायद उन पर कोई नज़र रखे हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। टीम और सैम को दूर से धुआं आता हुआ दिखाई देता है और जब वो इसे वहाँ पर चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ ही मिनटों पहले वहाँ पर कुछ लोगों ने एक जिंदा जानवर को बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए जला दिया। उन्हें पास ही में एक दूसरी भेड़ बंधी हुई दिखाई देती है जिसे वो शायद अपनी आँखों के सामने जलाने वाले थे। सैम और टीम उस भेड़ की जान बचाने के लिए उसे वहाँ से खोल देते हैं, लेकिन वही लोग उसी भेड़ को एक ट्रक से कुचलकर मार डालते हैं, जिसके बाद सैम और टीम वहाँ से भागकर कैट और बाकी के लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन तीन अजीब से दिखने वाले लोग उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और वो सैम के साथ काफ़ी गंदा व्यवहार करते हैं। तभी कैट वहाँ पर आ जाती है और एक फावड़े की मदद से सैम को उस आदमी से आज़ाद करवाती है। फिर बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि उन्होंने जो सामान वहाँ से उठाया था वो उसका था और वो उसे बिना इजाज़त लिए हुए घूम रहे हैं। जेफ उन सभी लोगों को धमकी देकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक किसी चीज़ में उसका पैर उलझ जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और उसके पैर में एक नुकीली सी चीज़ घुस जाती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। जेफ का काफ़ी सारा खून बह रहा था और जैसे तैसे सभी लोग जेफ को जिम के बार में ले जाते हैं ताकि वो उसकी मदद कर सके। जिम उनसे कहता है कि हॉस्पिटल यहाँ से 40 मील की दूरी पर है और एम्बुलेंस को यहाँ पर आने में कम से कम एक घंटा लग सकता है, जिसके बाद सभी जिम को किचन में लेकर आते हैं और वहाँ पर उसका फर्स्ट एड किया जाता है। जेब जिम को बताता है कि वे वही लोग थे जिन्हें उसने उसके बाहर से भगाया था। जेफ का दर्द कम नहीं हो रहा था और जिम उसका दर्द कम करने के लिए एक बड़े से चॉपर से उसका गला काट देता है और उसका खून चारों तरफ उड़ने लगता है और फिर जिम जेफ का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और बाकी सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर देता है। अब वो तीनों आदमी जिम के यहाँ पर आते हैं और हमें पता चलता है कि सैम को परेशान करने वाला वो आदमी जिम का ही बेटा ग्रेस था और बाकी के सभी लोग उसके दोस्त थे। फिर जिम उन्हें जेफ की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके सुअरों को खिलाने को कहता है ताकि उसका नामो निशान मिट जाए, जिसके बाद जिम और उसका बेटा ग्रेस केट और बाकी लोगों के पास जाते हैं और जेब को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो जैब को ज़मीन पर लिटा देते हैं जहाँ पर उसके दोनों हाथों और पैरों में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बेड़िया ठोक देता है और फिर जिम अपने शो के लिए रेडी होता है। शो के दौरान ग्रेस जैब की नाक में दो लंबी लंबी स्टिक अंदर तक घुसा देता है जिससे कि उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और जैब को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। फिर वहाँ पर एक घोड़े को लाया जाता है जो कि अंधा होता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसे जेब के ऊपर से कई बार गुजारा जाता है, जिससे कि होता ये है कि घोड़े के गुजरने के साथ साथ घोड़े का पैर जेब के शरीर पर पड़ता है और उसे काफ़ी गहरी चोट आती है। और फिर होता ये है कि घोड़ा अपना ताकतवर पैर जेब के चेहरे पर पटक देता है जिससे कि जेब का चेहरा फट जाता है और सभी ऑडियंस इस सीन को एंजॉय करते हैं। अब जिम अपना दूसरा एक्ट रेडी करता है, लेकिन तब तक कैट और बाकी के टीनेजर्स वहाँ से भाग जाते हैं और उनमें से ड्वाइट पकड़ा जाता है। ग्रेस कैट और बाकी लोगों के पीछे जाता है और ड्वाइट को ग्रेस के दोस्त जिम के शो के लिए ले जाते हैं,
जहाँ पर ड्वाइट को एक चेयर पर बैठाकर उसे एक विग पहनाई जाती है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया जाता है ताकि वो चिल्ला ना सके। इधर कैट, सैम और टीम भागकर अपने कॉटेज पर आते हैं जहाँ पर उनकी वैन थी, लेकिन उसकी चाबी कहीं पर खो चुकी थी, जिससे कि सभी परेशान हो जाते हैं और टीम उस वैन का लॉक तोड़कर उसे स्टार्ट करता है और वो सामने ग्रेस को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि गन से उनकी तरफ फायर करता है और वैन के शीशे टूट जाते हैं। केट अपनी और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वैन को ग्रेस के ऊपर चढ़ा देती है और उसे कई बार कुचलती है, जिससे कि ग्रेस वहीं पर मर जाता है और केट उसकी गन उठाकर वहां से भाग जाती है। इधर ड्वाइट शो के लिए रेडी होता है और शो के दौरान ड्वाइट के मुंह में एक पाइप घुसाया जाता है और उसके मुंह में डीजल पंप किया जाता है, जिससे कि ड्वाइट का शरीर फूलने लगता है और उसका शरीर फूल कर इतना फैल जाता है कि पहले तो उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती है और उसका पेट अधिक ज़्यादा फूलने के कारण फट जाता है, जिसके कारण सभी ऑडियंस पर डीजल के साथ साथ ड्वाइट के शरीर के चिथड़े भी उड़ जाते हैं। शो के ख़त्म होने के बाद जिम को ये पता चलता है कि केट और बाकी के लोग वहाँ से भाग चुके हैं और जिम उन्हें ढूंढने के लिए कई सारे लोगों को अपने साथ ले जाता है। जिम और उसके साथी केट की वैन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे भागने से रोकते हैं, लेकिन केट गाड़ी को नहीं रोकती, जिससे कि जिम तो बच जाता है लेकिन कुछ लोग गाड़ी से टकरा कर मर जाते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बचकर केट और बाकी के लोग कॉटेज की तरफ भागते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर अपने फ़ोन और मैप मिल जाए जो कि जेफ ने उनसे छुपाए हुए थे, और उन्हें सिर्फ वहाँ पर मैप मिलते हैं लेकिन फ़ोन कहीं नहीं मिलता। तभी जिम और बाकी के विलेजर्स वहाँ पर आ जाते हैं और जब केट कॉटेज का दरवाज़ा लगाने जाती है तो जिम अपनी गन की मदद से केट का हाथ उड़ा देता है और उन सभी के बाहर आने का इंतज़ार करता है। टीम ग्रेस की बंदूक से कुछ लोगों को मार गिराता है, जिसके बाद केट उनका ध्यान भटकाने के लिए पीछे के रास्ते से बाहर भागती है, लेकिन उसका पैर एक एनिमल ट्रैप में फंस जाता है और वो ज़मीन पर ही गिर जाती है। केट को ज़मीन पर पड़ा देख एक आदमी उसकी तरफ अपनी चेनसो लेकर आता है और पहले तो वो उसकी टांग काटता है और उसके बाद वो केट के पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। अब सिर्फ टीम और सैम ही जिंदा बचे थे। टीम कॉटेज के बेसमेंट में देखता है कि कई सारी वोडका की बोटल्स पड़ी हुई है और वो एक प्लान बनाता है। टीम जिम और बाकी के सभी लोगों को कॉटेज के अंदर आने देता है और वो सैम को पीछे के दरवाजे से भगा देता है। कॉटेज के बेसमेंट में जब जिम टीम के पास पहुंचता है तो टीम वोडका की बोतल में आग लगाने की कोशिश करता है ताकि पूरा घर जल जाए और घर के साथ साथ जिम भी, लेकिन टीम को पता चलता है कि उन बोतलों में वोडका नहीं पानी होता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग टीम को कई टुकड़ों में काट कर उसे मार डालते हैं, जिसके बाद सभी अकेली बची हुई सैम को भागता हुआ देखते हैं और उसे बिल्कुल भी नहीं रोकते क्योंकि आगे जाकर सैम का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ता है, जिससे कि वो वहीं पर रुक जाती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती। लेकिन होता ये है कि एक खरगोश आकर उसकी पैंट में घुस जाता है, जिससे कि सैम अपनी जगह से हट जाती है और लैंडमाइन के फटने के साथ साथ सैम भी मर जाती है, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी काफ़ी सिंपल है और मज़ेदार भी, जो स्लेशर लवर को ज़रूर पसंद आएगी। मूवी में केट और जेफ चार टीनेजर्स को एक विलेज में लेकर आते हैं ताकि वो वहाँ पर सोशल सर्विस कर सके, जो कि बाकी शहरों से काफ़ी कटा हुआ होता है। यहाँ पर ना तो बिजली और ना ही कुछ होता है। विलेज के ज़्यादातर लोग एक बीमारी से पीड़ित होते हैं जो कि उन्हें अपंग बना देती है, जिनमें से सिर्फ जिम ही ठीक होता है। जिम एक शोमैन होता है और वो अपने शो में विलेज के लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, और इन मानसिक और शारीरिक बीमारी से पीड़ित लोगों का एंटरटेनमेंट होता है दूसरे लोगों के जिंदा शरीर